imagination.com। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये वाला नेक डिजाइन जो गले बने बनाए मिलते हैं मार्केट में, इसको कैसे स्टिच करते हैं। ये गला डिजाइन बना होता है, आपको कुछ कटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, और ये गले कॉस्टली भी नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ से लेकर 5 रुपीज़ तक आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आप जो अगर पूरी बुकरम लेते हो तो उससे थोड़े सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए भी आप ये एक्स्ट्रा क्लोथ ले लो जिसके ऊपर आपको ये नेक डिज़ाइन बनाना है, और ये गले की लेंथ देख लो कितनी चाहिए, ठीक है। ये गले की लेंथ टोटल लेंथ ज़्यादा है, मुझे चाहिए ओनली 6.5 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लोथ के ऊपर नाप लेती हूँ। देखो 1/2 इंच ऊपर की टॉप टर्निंग के लिए मैंने मेज़र कर लिया, और उसके बाद 6.5 जितना भी आपको नेक डिज़ाइन चाहिए वहाँ मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। और इसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे। ये देखो इसकी जो शाइनिंग वाली साइड होती है इसको हम नीचे रखते हैं, क्योंकि ये इस पर प्रेस होती है, ठीक है। शाइनिंग वाली साइड को नीचे इस कपड़े की तरफ रखना है, और ये कपड़े की गलत साइड है, कपड़े की गलत साइड है। इसको देखो इस पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पे लगाएंगे, जितना लंबा गला चाहिए उतना इसको ऐसे रख देंगे। और चढ़ाई में देखो कितना चाहिए, मेरे को चाहिए 6 इंच, तो उसकी चढ़ाई उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। देखो ये जो मिडल पॉइंट है यहाँ से मैं पहले स्ट्रेट लाइन मेजर कर लेती हूँ ताकि हम निशान बिल्कुल सही लगाएं। 6 इंच का हाफ कितना होता है, 3 इंच इस साइड पे और 3 इंच इस साइड पे। अब देखो ये मिडल पॉइंट पे ऐसे रखा, और इसको गले को एडजस्ट करते हुए इस इधर तक ले गए, इस गले को भी एडजस्ट करते हुए यहाँ तक ले आए, ठीक है। जितनी भी गले की आपको चौड़ाई चाहिए आप उतना एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप इसको ऐसे पूरे को ऐसे फैला के एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे चाहिए 6 इंच तो मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया। प्रेस की हेल्प से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे, क्योंकि ये बुकरम वाला जो गला मार्केट में मिलता है ये पेस्टेबल होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे चिपका सकते हैं, ऐसे जितना भी गला चाहिए उसको उस तरीके से रख के ऐसे प्रेस से पेस्ट कर लो, यहाँ पर चिपका लो। अब देखो इस नेक के बॉटम साइड पे, बाहर की साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम को भी कट कर देंगे। अब आपके पास ये क्लोथ आ गया है बुकरम का, इसको आप चाहो तो ऐसे टर्न करके प्रेस कर दो, फिर बाद में तुरपाई करने में इजी हो जाता है। देखो जहाँ भी ये नेक डिज़ाइन बनाना है, आपके फ्रंट पैनल पे या फिर बैक पैनल पे, तो उस पर आप बिल्कुल मिडिल पॉइंट मार्क कर लो। ये है कपड़े की सही साइड, ये है कपड़े की सही साइड। यहाँ पे मैं ऊपर मिडिल पॉइंट मार्क कर चुकी हूँ, और यहाँ पर देखो 16 का आधा होता है 8 इंच, तो मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको रखेंगे, इसके मिडिल पॉइंट इसके साथ बिल्कुल मैच करेंगे, गले के मिडिल पॉइंट ये देख सकते हैं आप ऐसे, और लास्ट तक बिल्कुल मैच करेंगे ऐसे ऐसे। हम इसके ऊपर पिन्स को टक कर देंगे। देखो पिन से टक करने के बाद अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखते हैं कैसे स्टिच करते हैं। देखिए कैसे स्टिच कर रही हूँ मैं। इसके ऊपर भी आपको स्टिच नहीं करना, और इस बुकरम पे भी नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पर करना है इस पॉइंट पे। देखो देखो ऐसे ही हम राउंड में आते हैं, जैसे डिजाइन जा रहा है इसको ऐसे कर्व में सिलते रहते हैं। ये देखो यहाँ पे कॉर्नर जब आता है आपको सुई बिल्कुल बीच नीचे डाल देनी है, और फिर इसको उठा के ऐसे टर्न करना है। फिर कॉर्नर आ गया, आपको सुई नीचे कर देनी है इसके अंदर, और ऐसे उठा के इसको टर्न करना है।
फिर कॉर्नर पे बिल्कुल बीच में और ऐसे टर्न कर दिया। देखिए ये बिल्कुल स्टिच हो चुका है। अब हम इसके अंदर के साइड पे थोड़ा सा मार्जिन को छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। ऐसे। और अब ये जो कॉर्नर्स है यहाँ पे हर जगह हम स्मॉल स्मॉल कट्स लगा देंगे। पूरे में अगर आप छोटे छोटे कट्स लगा दो तो अच्छा होता है। छोटे छोटे कट्स लगाने से ये इजीली टर्न हो जाता है दूसरी साइड पे और प्रोफेशनल लुक आती है। ध्यान रहे कट लगाते टाइम आपने जो स्टिच किया है उस थ्रेड को कट ना लग जाए। और अब हम ये पिंस हटा देंगे। इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे ऐसे। जब हम इसको ऐसे टर्न करते हैं तो ये बिल्कुल बाहर आ जाता है ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, ध्यान रहे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से पकड़ के इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर रही हूँ, दूसरी साइड पे कपड़े की गलत साइड पे ये चला जाएगा। आप देख सकते हैं इतना प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार है, और वो भी बाहर जो रेडीमेड मिलते हैं ये नेक लाइंस उनसे। आपको बुकरम की कटिंग भी नहीं करनी पड़ी और ईजिली ये रेडी हो गया है। इस पर प्रेस कर देंगे ज़्यादा फिनिशिंग के लिए। अब देखिए सुई धागा लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही इसको ऐसे टर्न करते हुए यहाँ पर आप सुई धागे से तुरपाई कर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको हैम स्टिच। तुरपाई करना भी सिखा रही हूँ मैं इस सुई को। ये देखिए इस वाले कपड़े में डालते हैं नीचे वाले में, ठीक है, और ऊपर वाले में से ऐसे बाहर निकालते हैं तो तुरपाई हो जाती है। देखो ऐसे ही पूरे में इसके तुरपाई कर देते हैं। देखिए हमने ये जो मार्केट से मिलता है रेडीमेड बुकरम वाला नेक डिज़ाइन उससे बनाया है, और ये बहुत ही प्यारा फिनिशिंग वाला लग रहा है। इतना ज़्यादा सुंदर फिनिशिंग आई है इसकी कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए हमने ये जो मार्केट से मिलता है रेडीमेड बुकरम वाला नेक डिज़ाइन उससे बनाया है, और ये बहुत ही प्यारा फिनिशिंग वाला लग रहा है। इतना ज़्यादा सुंदर फिनिशिंग आई है इसकी कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और अब आप निया इमेजिनेशन पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर बेल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी। आप मेरी वीडियोज यहाँ पे वीडियो कॉलम पे जाके और कोई भी प्लेलिस्ट आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है।